हेलो दोस्तों, मोहम्मद ताई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में सिखाऊंगा जो हमारी आयरन होती है, यानी कि प्रेस, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कोई रेशमी कपड़ा उस प्रेस पे चिपक जाता है, वो प्रेस वाली जो तली होती है वो और कपड़े पर हम लगाते हैं और वो छूटता नहीं। तो ये मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसे बहुत आसानी से छुटा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, जो कैंची होती है हमारी, जब कैंची ख़त्म होने वाली होती है बिल्कुल और कपड़ा नहीं काट पाती, तो मैं ये भी बताऊँगा कि आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी कैंची है, ठीक है। इससे मैं पहले कपड़ा कटिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आप भी आपकी कपड़ा जो है रंग से नहीं कटिंग कर रही, लेकिन थोड़ी ताकत लगाने पे कपड़ा कटिंग कर रही है। तो दोस्तों, आप इसे किस तरीके से ठीक करेंगे, तो मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से देखें। तो देखिए दोस्तों, ये सुई है हमारी तुरपाई वाली, जिससे कि हम अपनी तुरपाई करते हैं, और ये स्टील की होनी चाहिए, यानी कि लोहे की नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ आप कैसे कर सकते हैं, जैसे एमरजेंसी में आप फंस जाएँ, ठीक है, कोई ऐसा सूट देना है आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है लेकिन कैंची काम ना करें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो इस कैंची को, इसको देखिए, सिर्फ सुई को ऐसे रखना है। अभी मैंने आपको कटिंग करके दिखाया, मैं दोबारा दिखाऊंगा। इसको ऐसे करके आराम आराम से इसको इस तरीके से खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से, और ये स्टील की होनी चाहिए, ध्यान से और अपने हाथ बचा के ये इस तरीके से, ठीक है। या तो आप रैग मार लेके हल्की हल्की, ये जो धार होती है हमारी, आप देखेंगे ये धार पर हल्का हल्का सा ये कट है, और इस तरफ भी आप देखेंगे हमारी ये नाखून के पास, देखिए दिख रहा होगा आपको, धार जो है कटी हुई है। तो इससे दोस्तों दिक्कत हो जाती है, कपड़ा नहीं काट पाती है, देखिए इस तरीके से। लेकिन इसमें कुछ अलग सा रेशा है, क्योंकि मैं काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ इस सुई की मदद से, मैंने 3 महीने कैंची चलाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी चला सकते हैं। तो देखिए, सिंपल एक बार इसको ऐसे करके, सिर्फ एक दो बार आपको लेके जाना है, आप महसूस करेंगे कैंची आपकी अलग ही चलेगी। तो ये देखिए, धार को ये सीधा कर देती है, ये हो गया। अब मैं इसे कटिंग करके दिखाता हूँ, पहले रख रहे थे कपड़े में दिक्कत है, थोड़ी अभी भी आएगी लेकिन आपकी काम करेगी कैंची। ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल हल्के हाथ से मैं चला रहा हूँ, पहले हल्के हाथ से चला रहा था, फंस रही थी, लेकिन ये कैंची मैंने खुद 3 महीने, ये देखिए हल्के हल्के रेसे, लेकिन ये ऐसे रेसे छोड़ेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब आप करेंगे तो आप थोड़ा ताकत से करेंगे हल्का सा, तो ये बिल्कुल फ्रेश कपड़ा कटिंग करेगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक रेग मार्क होता है, उससे इसकी धार को आप चाहें तो हल्का हल्का साफ़ कर लेंगे, तो ये धार आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। और उसके बाद आप ये हल्की सी जो तुरपाई वाली सुई, स्टील वाली, उसको आप इस तरीके से करके, ये देखिए आपके सामने मैंने दिखाया है, आप अपने घर पे भी ये ट्राई ज़रूर करें। ये देखिए, इतनी बढ़िया चल रही है। और साथ ही दोस्तों, ट्राई करने के बाद कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स होते हैं, तो वो कमेंट देख के ही मतलब पता लगता है उनको कि कैसी मतलब वीडियो रही है। तो दोस्तों, जब ये आप एक्सपीरियंस खुद करेंगे अपने वहाँ करके, तो इसको आप करने के बाद एक बार कपड़ा कटिंग करके दिखाना और कमेंट में बताना कि ये कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कैंची के बारे में, अब मैं आपको बताता हूँ प्रेस के बारे में। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने कपड़ा लिया है, एक रेशमी, चाहे कोई भी कपड़ा हो, और ये देखिए मैंने प्रेस अपनी बहुत ज़्यादा गर्म कर ली है, जिससे कि ये कपड़ा जल जाए और इसमें चिपक जाए। तो ये देखिए, अभी हमारी प्रेस में हल्का सा ये मैंने ट्राई करा था, तो ये चिपक चुका है, मैं और अच्छी तरह चिपकाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी कपड़ा जो है अभी सीलिंग को है, लेकिन चिपका नहीं है, हमें कपड़े को चिपकाना है। तो इसे अच्छी तरह पहले चिपका लेते हैं प्रेस में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं आपको दिखा मतलब सिखानी जो चीज़। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कपड़ा जो है काफ़ी चिपका लिया है, आप देखेंगे प्रेस पर कपड़ा चिपक गया है। अब मान लीजिए ये कपड़ा चिपक गया, लेकिन हम किसी चीज़ पर साफ़ करते हैं, जैसे ये है, तो ये अभी अच्छी तरह पूरा क्लीन नहीं होता और ये इस तरीके से रह जाता है, ये देखेंगे आप, ये चिपचिपापन रह जाता है। तो इसे क्लीन कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था। ये देखिए, आप मान ले कोई भी कपड़ा आप करेंगे, ये प्रेस उसको पकड़ेगी ही पकड़ेगी इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं कॉटन का कपड़ा, लेकिन प्रेस इस पर चिपक रही है। और ये वाला है जो पेस्टिंग है, ये देखिए, ये ग्रीन ग्रीन कलर का, ये इसका कपड़े का भी रंग उतारने लगी। तो इसे आप कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे मेन इसके लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, एक चाहिए मोमबत्ती, दूसरी चाहिए आपकी बुकरम। तो इसे क्या करेंगे, आप दिखाता हूँ, मैं पहले प्रेस बंद कर लेता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, मोमबत्ती को हम इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मोमबत्ती को लगाने का ये जो इसका मोमबत्ती का ये वाला हिस्सा है, ये मोम इसकी पिघलने लगी है इसके ऊपर, और फिर इसे बुकरम पे ऐसे रख के बस आपको ऐसे कर देना है। ये देखिए, आधे ज़्यादा तो उसी टाइम हैंड टू हैंड छूट जाएगा, और बाकी जो बच्चा कुचा है दूसरी पे भी ऐसे करेंगे हम। तो ये आपका बहुत जल्दी से, मतलब हट तो ये वैसे भी जाएगा, लेकिन जल्दी हटाने का तरीका है, मोमबत्ती को हम इस तरीके से रखें, और रखने के बाद ये दोस्तों अपना ही तरीका है, करीब आज से 3-4 साल पहले करते थे, और आज भी कभी कपड़ा जब कोई रबड़ प्रिंट वाला सूट कटिंग करते हैं और ऐसा हो जाता है, तो हमें इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। आप देखेंगे मेरे काउंटर पे भी देखेंगे आप ध्यान से, ये किनारे पे कपड़े चिपक जाते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से हैंड टू हैंड हटा लेता हूँ। लेकिन जब कोई ज़िद्दी चिपक जाता है, समझ रहे हैं आप, जब कोई ज़्यादा ही ख़तरनाक चिपक जाता है, तो उसके लिए हमें बुकरम इस तरीके से रख के ऐसे ऐसे करता हूँ, तो ये साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका सिर्फ निशान निशान है, बाकी ये जितना भी है सब हट गया। और ये हट गया ये कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों बिना प्रेस करें आपको पता नहीं चलेगा। तो आप ये कपड़ा लेंगे वही ग्रीन, और ये देखिए इसे प्रेस करेंगे, अगर ये प्रेस पकड़ती है चिपकाती है, इसका मतलब ये अभी भी साफ़ नहीं हुई। तो देखिए बिल्कुल प्रेस हमारी ओके चल रही, बाकी झोल वाला हिस्से पे भी हम देखिए प्रेस लगाते हैं, तो इसको भी इसने साफ़ कर दिया। ये देखिए झोल वाले हिस्से पे भी हम इसे इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल दोस्तों मज़े से प्रेस हमारी जो है चलने लगी। प्रेस के मुताबिक कोई भी प्रेस हो, ज़रूरी नहीं है मेरी वाली प्रेस हो, कोई भी प्रेस हो ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ एक स्टीम प्रेस होती है दोस्तों, उसमें बूट होता है, वो कभी कपड़े को जलाती ही नहीं, तो उसके लिए नहीं है ये वीडियो, ये वीडियो उसके लिए जिससे कपड़े जल जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।